नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट 8 वीडियो में। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न के बारे में। देखिए, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी ट्रिपल टॉप, डबल टॉप और डबल बॉटम, तो सेम जो है अभी यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम के बारे में। जैसे डबल टॉप और डबल बॉटम में हमने देखा था कि वहां पर दो बॉटम बनते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो है तीन बॉटम बनते हैं और तीन टॉप बनते हैं। तो इसको हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, देखिए जो है इसमें क्राइटेरिया वगैरह सब सेम है, रूल सब सेम है, बस हमको जो है पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि वो पैटर्न मतलब कहाँ पर बनते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से बनते हैं, कहाँ काम करते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, इसमें जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मतलब जो डबल बॉटम की जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि यहां पर एक बॉटम यहां पर बनता था और दूसरा बॉटम यहां पर बनता था, ठीक है ना, और यहां से उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट होता था। बट इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट फर्स्ट बॉटम होगा, सेकंड बॉटम होगा और थर्ड बॉटम होगा, यहां पर तीन बॉटम होंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है। तो चलिए इसको हम जो है चार्ट में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से ट्रेड करता है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, हमारी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको उस चीज के बारे में अभी बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम जो है एक फिगर बना के देख लेते हैं कि पैटर्न जो है किस तरह से बनता है। देखिए यहां पर एक ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड ऊपर से बहुत ये नीचे की तरफ एक ट्रेंड आया, ठीक है, मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड है। तो देखिए जो भी बॉटम पैटर्न हम देखेंगे, चाहे वो डबल बॉटम हो चाहे वो डबल टॉप हो, ठीक है ना, उसमें किस तरह से ट्रेड करना है, देखिए इसमें क्या होना चाहिए, एक जो है जो ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड होने के बाद यहां पर प्राइस पॉज होता है, पॉज होने के बाद प्राइस यहां से फिर ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, यहां पर जो है इसने ये हाई बनाया मान लीजिए, यहां जाने के बाद फिर प्राइस जो है उसी लेवल पर आता है जहां से उसने लास्ट टाइम बाउंस बैक किया था, फिर जो है प्राइस इसी लेवल से आके फिर यहां से बाउंस बैक करता है और सेम लेवल तक जाता है जहां तक इसने पिछला हाई लगाया था, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी प्राइस ने फिर जो है नीचे की तरफ मूव करना होता है, प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है और मूव कहां तक करता है, यहां से कुछ भी मतलब 3%, ये जो पिछले जो लो लगे हुए हैं तो इससे जो है मतलब 3% मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा होगा तो हम उसको ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंसिडर नहीं करेंगे। अभी फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पर प्राइस जाता है, ठीक है, और यहां ब्रेकआउट होता है। तो चलिए देखते हैं, तो हमने क्या करना है, जहां पर भी हमको इस तरह का कोई भी सिनेरियो दिखाई दे, हमने इस तरह से एक उसका सपोर्ट यहां पर ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से मान लीजिए हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जैसे हमने सपोर्ट ड्रॉ किया सेम हमने उसी तरह से हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस यहां पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो अभी हमको यहां पर देखना है कि हमको ट्रेड ये पहचानना कैसे है, जैसे हम डबल बॉटम पैटर्न में देखते थे वहां पर फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम दो तरह के बॉटम बनते थे, बट यहां पर फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम एंड थर्ड बॉटम, ये तीन बॉटम बनेंगे। देखिए ये जो है, देखिए जो डबल बॉटम के जो पैटर्न थे वो आपको जो है जनरली आपको देखने को चार्ट में मिल जाएंगे, बट जो थ्री बॉटम को जो पैटर्न होते हैं, ट्रिपल बॉटम जिसको हम कहते हैं, तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हर चार्ट में आपको मिल जाएगा, ये आपको काफी ढूंढना पड़ेगा, आपको आंखों की काफी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, फिर आपको ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न मिलेंगे, ये अदरवाइज जो है ये बहुत ही रेयर केस में बनते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आपको एक छोटी सी चीज यहां बता देना चाहता हूं कि हमको यहीं पर मैं आपको एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस समझा देता हूं। देखिए यहां जहां पर ये ब्रेकआउट हो रहा है, आप या तो यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, इसके हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है रीटेस्ट होने का वेट करिए कि प्राइस यहां पर आपको आके मिले, ठीक है, प्राइस यहां पर मिलता है, यहां पर कोई हैमर कैंडल बनाता है, कोई एंगल्फिंग के पैटर्न बनाता है, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने किस तरह से इसमें ट्रेड करना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। आपका स्टॉप लॉस यहां पर होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, इसमें मैं स्टॉप लॉस को भी आपके दो क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं, या तो जो कैंडल आपके यहां पर ब्रेकआउट कर रही है उस कैंडल का लो, उस कैंडल का लो या उससे पिछली कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। सेकंड क्या है, आप स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं, ये जो ट्रिपल बॉटम जो बने हुए हैं, फर्स्ट लो, सेकंड लो और ये थर्ड लो, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंट्री देखिए, एंट्री आप यहां पर भी ले सकते हैं, जैसे ब्रेकआउट होता है
यहां पर मान लीजिए एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। अभी ब्रेकआउट का हाई मान लीजिए 101 है, तो आप 102 पर एंट्री ले सकते हैं, मतलब उस क्लोजिंग के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही यहां पर एंट्री जो है मतलब ऑर्डर अपना डाल के रख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो फिर जो है यहां पर कई बार फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। ब्रेकआउट होने दीजिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होने दीजिए, इसके एक जो कैंडल जो बनती है कैंडल को इस रेंज से बाहर जो है क्लोज होने दीजिए। जब उस क्लोज हो जाएगा बाहर, उसके ऊपर आप वहां पर एंट्री लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, मान लीजिए ये 90 रुपीज का प्राइस था और ये जो है इसने हाई लगाया 101 का, तो ये बहुत ज्यादा गैप हो गया, आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपने, आपने इसका रीटेस्ट होने का वेट करना है। अगर ये रीटेस्ट होता है ठीक है, अदरवाइज यहां से अगर दूसरी कैंडल बनाते हुए निकल जाता है तो उसको अवॉइड करिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अभी यहां पर मिलता है तो देखिए, अगर आप यहां पर एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए आप 101 पे ले रहे हैं, 102 पे ले रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा, नियर अबाउट आपका 98 97 ऐसा कुछ स्टॉप लॉस बनेगा। बट अगर आप जो है 110 पर एंट्री ले रहे हैं और 95 स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। सो ये दूसरा क्राइटेरिया है एंट्री का, ठीक है। टारगेट देखिए क्या होना चाहिए, टारगेट ये जो रेंज बनी हुई थी, ये जो रेंज थी मान लीजिए ये 70 रुपीज थी और ये 90 रुपीज थी या 100 रुपीज थी, तो ये 30 रुपीज की रेंज थी, तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है 30 रुपीज ही होना चाहिए और सेकंड टारगेट आपका 60 रुपीज होना चाहिए। तो मैंने आपको यहां पर एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट बता दिए हैं। अभी चलिए मैं आपको चार्ट में लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि कब कब किस किस टाइम में मतलब ऐसे पैटर्न बने थे। मतलब देखिए ये तो बहुत रेयर केस में बनते हैं। सो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पैटर्न मैंने ढूंढ के रखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूं। तो एक पैटर्न ऐसा इसमें अभी जो है करंट में फॉर्म हो रहा है, तो वो है इंडिगो में। तो आप अभी यहां पर इंडिगो का चार्ट देखिए, मैं आपको चार्ट जो अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं ये फर्स्ट बॉटम। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि लो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना, बट ये जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए ये 790 है और यहां पर ये जो है 850 के नियर अबाउट है, तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि आपने उसको कंसाइड ज्यादा करना है कि 3% से ज्यादा ना हो, तो ये लो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए आपको कोई वो नहीं करना है। तो अभी फिलहाल में जो मेरे को दिख रहा है इंडिगो में, एक मेरे को बनता हुआ दिख रहा है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। फर्स्ट बॉटम देखिए यहां पर लगा हुआ है, सेकंड बॉटम ये लगा हुआ है और थर्ड बॉटम यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहां पर जो है मतलब फर्स्ट बॉटम बना, हाई लगा, फिर सेम जो है जो लेवल इसने लो लगाया था उसके आसपास आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर सेम लेवल पर ही आया और फिर यहां पर फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी देखिए ब्रेकआउट के समय आपने क्या करना है, ब्रेकआउट के टाइम आपने दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। ब्रेकआउट के टाइम अगर आप जो है वॉल्यूम का अगर ऐड कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम आपके जो है मतलब कन्फर्मेशन बढ़ा देता है। तो जो भी आप ब्रेकआउट की कैंडल देखते हैं, ब्रेकआउट की कैंडल पर आप जो है मतलब वॉल्यूम को जरूर देखिए। वॉल्यूम को देखेंगे आप तो उससे क्या होगा कि मतलब एक आपकी कंफर्मेशन जो है ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको देखिए मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए ये जो कैंडल ने ब्रेक किया है इंडिगो के चार्ट में, देखिए ये जो कैंडल ने ब्रेक किया है, इसका वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अभी देखिए यहां पर जो है ब्रेकआउट हुआ है, तो मान लीजिए 1100 पर ब्रेकआउट हुआ है और इसका जो हाई लगा है वो 1115 लगा है, तो आप ये जो है मतलब 1% से 1.5% के अंदर ही है, तो आप यहां पर इसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर देखिए आपने यहां पर एंट्री 1130 पर ली होती तो हाई देखिए इसने लगाया था 1202 रुपए का। तो यहां पर जो है देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, अब इसका जो गैप है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। स्टॉप लॉस देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, या आप इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए, या फिर इससे प्रीवियस कैंडल जो बनी हुई है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख दीजिए, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है आपको इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस यहां पर रखना है, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, एंट्री मैंने आपको बता दी, टारगेट जो है ये जो गैप बना हुआ है अभी गैप हम दे सकते हैं 850 और ऊपर जो है मतलब 1100, ठीक है। तो ये मतलब नियर अबाउट आप देख सकते हैं कि 250 के नियर अबाउट का टारगेट है, तो 250 का टारगेट तो यहां पर बहुत आराम से अचीव होना चाहिए। देखिए अब मैं आपको दूसरा बता देता हूं कि एक चोला मंडलम फाइनेंस, मैं उसमें आपको बता देता हूं। चोला मंडलम फाइनेंस में जो है वो ऐसा पैटर्न एक बना हुआ है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूं। यहां देखिए आप, मैं यहां पर थोड़े वॉल्यूम में वो करने जा रहा हूं। यहां देखिए ये फर्स्ट बॉटम यहां पर बना हुआ है और यहां पर सेकंड बॉटम बना हुआ है और यहां पर ये थर्ड बॉटम बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए नीचे का जो लो है वो 120 टू 121 है और ऊपर का जो हाई लग रहा है वो 181 टू 182। तो ये देखिए नीचे की तरफ आया। देखिए इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपको देखना है वो एक
टोटली डाउन ट्रेंड हो, टोटली डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस जो है अपने आप को होल्ड करे। अभी ये देखिए ये प्राइस कहां से आया है, ये प्राइस 350 से आ रहा है, 350 से जो है 123, तो नियर अबाउट आप देख रहे हैं ये 50% से भी ज्यादा गिर चुका है। अभी ऐसे स्टॉक आपने ढूंढने हैं जो मतलब डबल बॉटम, अगर ट्रिपल बॉटम ढूंढ रहे हैं या डबल बॉटम ढूंढ रहे हैं तो वो एक पूरी तरह डाउन ट्रेंड का स्टॉक होना चाहिए, वहां पर आप ऐसे पैटर्न ढूंढेंगे, ना कि कहीं बीच में ढूंढेंगे। तो आपने यहां पर देखा फर्स्ट बॉटम बना, सेकंड बॉटम बना और यहां पर थर्ड बॉटम बना। अभी यहां पर देखिए, अभी हमने यहां पर किस तरह से एंट्री लेनी है, तो यहां पर 122 टू 184 का जो है हाई है यहां पर, तो हमने 184 के ऊपर की एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये कैंडल क्लोजिंग मान लीजिए 186 आ जाती है तो हम 187 पर अपना जो है एंट्री ले सकते हैं। जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर जो यहां पर आपके नजदीक में जो स्विंग लो बना हुआ है वहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट हमारा सेम होगा 123 है और 183, तो 60 रुपीज का हमारा पहला टारगेट होने वाला है, तो नियर अबाउट 60 और उसके बाद फिर 120। तो देखिए 1:1, 1:2 इसका टारगेट बहुत आराम से अचीव हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप लोग को मैं एक और बता देता हूं जो बना था, वो था आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो यहां पर हमने अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खोल लिया है। अभी यहां पर भी जो मैंने देखिए, जो मैंने आपको चोलामंडलम फाइनेंस बनाया बताया उसमें अभी ब्रेकआउट होना है, आईसीआईसीआई बैंक बता रहा हूं इसमें भी अभी ब्रेकआउट होना है, तो इन चीजों को गौर करिएगा, देखिएगा कि यहां पर ब्रेकआउट किस तरह से होते हैं, किस तरह से हम यहां पर स्टॉप लॉस, चाहे आप ट्रेड मत करिए, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि मैंने यहां पर एंट्री ली और यहां पर मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ, टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ, हमने जो वीडियो में सीखा था वो मतलब यहां पर जो है पूरी तरह जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज आप जरूर करके देखिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आपकी जो है प्रैक्टिस ही आपको जो है आगे लेकर जाएगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए फर्स्ट बॉटम यहां पर बना हुआ है, यहां पर सेकंड बॉटम बना हुआ है और यहां पर थर्ड बॉटम बना हुआ है, और प्राइस जो है देखिए जो भी जो तीनों लो लगे हुए हैं वो 3% से ज्यादा नहीं है, मतलब ये लो जो है इसकी, ये लो है 268 का और ये लो है आपका तो नियर अबाउट, सॉरी इसकी क्लोजिंग हम देख लेंगे 281 और यहां पर 284, 283, तो यहां पर देखिए 3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जो मतलब ये जो लो एक दूसरे के बराबर जो लगे हुए हैं, तो ये मतलब मान लीजिए ये जो कैंडल जो थर्ड बॉटम बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि 5% ये नीचे चला जाए, तो उसको हम ट्रिपल बॉटम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पर अभी देखिए, यहां पर भी हमने हमारा जो पहला क्राइटेरिया है ये देखिए कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है ना, कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस जो है कुछ अपने आप को यहां पर होल्ड किया, इसने होल्ड करने के बाद जो है 290 पर, उसके बाद इसने हाई लगाया 369 का, फिर जो है नीचे की तरफ आया, फिर 284 का, 285 का जो है लो लगाया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर इसने 373 का हाई लगाया, अभी फिर जो है नीचे की तरफ 284, 285 का जो है लो लगाया, तो सेम लेवल का ही लो लग रहे हैं और यहां पर तीन बॉटम बन चुके हैं, तो ये ट्रिपल बॉटम है। अभी हमारी यहां पर एंट्री जो होगी वो एंट्री होगी हमारी 380 के ऊपर, 380 के ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, 382 पर मान लीजिए उसकी उसका हाई लगता है, तो हम 383 पर उसका जो है एंट्री लेंगे, या मान लीजिए अगर कोई कैंडल ऐसी बन जाती है जो यहां पर मान लीजिए 400 का जो हाई लगाता है, तो हम जो है रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक मैं आपको और बता देता हूं, जो लोगों का फेवरेट जो इंडेक्स होता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी जो है इस तरह का पैटर्न बन रहा है, मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स, सॉरी यहां पर हमको निफ्टी बैंक लिखना पड़ेगा ज़ेरोधा में इस तरह से, तो ये निफ्टी बैंक का देखिए मैंने पैटर्न चार्ट खोल लिया है। अभी आप यहां पर भी देख सकते हैं सेम जो अभी हमने पीछे आईसीआईसीआई बैंक में देखा, सेम जो है निफ्टी बैंक में ये बन रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट जो है बॉटम बना हुआ है, देखिए पहला क्राइटेरिया हमने क्या देखा, हमने पहला क्राइटेरिया देखा कि ऊपर से जो है एक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में ये जो है निफ्टी बैंक आया, ऊपर देखिए ऊपर ये जो 31,690 से जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ आता हुआ, ये जो है देखिए 16,000 17,000 के लेवल पर इसने अपने आप को होल्ड किया, 17,000 पे होल्ड किया, उसके बाद फिर जो इसने हाई लगाया 21,500 का हाई लगाया, फिर जो है 17,000 के लेवल पर आया, फिर इसने जो है हाई लगाया फिर 21,500 400 के नियर अबाउट, और उसके बाद फिर जो है 17,000 के लेवल पर आने के बाद फिर इसने एक बार जो है बाउंस बैक यहां से किया। ठीक है, तो अभी हमको यहां पर क्या करना है, अभी हमको यहां पर वेट एंड वॉच वाली यहां पर कंडीशन है, तो यहां पर 21,500 21,600 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए और कैंडल का साइज बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि छोटी सी कैंडल की क्लोजिंग होगी तो उसको हमने ब्रेकआउट मान लिया। इसमें अगर वॉल्यूम आपने चेक करना है तो आप जो है फ्यूचर में जाके देख सकते हैं इसका वॉल्यूम,
तो आपको उसका वॉल्यूम पता लग जाएगा, बिकॉज इंडेक्स में आपको वॉल्यूम शो नहीं होगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट बॉटम है, यहां पर सेकंड बॉटम है, यहां पर थर्ड बॉटम है। तो कोशिश करिए कि जो है मतलब चार्ट में ढूंढने की इस तरह के, जो मैंने आपको चार पांच जो है मतलब इंडेक्स और जो है स्टॉक बताए हैं, इस तरह के आप भी ढूंढने की कोशिश करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वन डे के चार्ट में ढूंढना है, आप इसको 1 आवर के चार्ट में देख सकते हैं। जो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको जो है मे बी आपको जो है मतलब पैटर्न इसका काफी पैटर्न मिल जाएंगे, बट जो है बड़े टाइम फ्रेम में आपको इसके बहुत रेयर स्टॉक्स में या बहुत रेयर इंडेक्स में ही इसके जो है थर्ड बॉटम आपको मिलेगा। तो अभी हमको देखिए वेट एंड वॉच वाली यहां पर कंडीशन है। यहां पर 21,500 और 21,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और जो क्लोजिंग चाहिए उस कैंडल का साइज भी काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम अपना स्टॉप लॉस देखिए यहां पर जो एक स्विंग लो लगा हुआ है यहां पर रख सकते हैं। देखिए अभी यहां पर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि अब तक यहां से एक बार फिर ये नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना। तो जब तक क्लोजिंग नहीं होती, तो देखिए जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं इसके बिहाफ में आपने कभी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। फर्स्ट मैं जो चीजें बता रहा हूं पहले उसको फॉलो करनी है, वो चीजें हो रही हैं तब एंट्री लेनी है, वो चीजें नहीं हो रही हैं तो उस चीज को अवॉइड कर देना है, ठीक है। अगर आपको यहां पर जो है कैंडल मिलती है, काफी अच्छी कैंडल मिलती है, एक बड़ा साइज की कैंडल मिल जाती है, आपने फ्यूचर में जाके इसका जो है वॉल्यूम भी चेक कर लिया, उसके बाद फिर आप एंट्री लीजिए। देखिए जो है आपको जो है ये जो टारगेट जो नीचे की तरफ का आ रहा है, ये देखिए अब 17,000 का और जो है 21,500 का, तो ये जो है 17,421 4,500 पॉइंट्स, तो 4,500 पॉइंट्स जो है आपको यहां पर बड़े आसानी से मिलने वाले हैं आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है ना। तो ब्रेकआउट होने का वेट करिए। देखिए कभी भी मार्केट में विदाउट नॉलेज और जो है मतलब इमिडिएटली जंप मत करिए, ठीक है ना। यहां पर देखिए पेशेंस ही पैसा बना के देगा आपको, यहां पेशेंस मेक मनी। यहां पर जितना आपके पास पेशेंस है, जितना आप जो है मतलब अपने माइंड को होल्ड कर सकते हैं, जितना आप धैर्य से काम ले सकते हैं, उस उतना ही आप जो है अपने माइंड से काम लीजिए। आप जो है जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी करेंगे तो जो आपकी जो है हार्ड अर्न मनी है वो यहां पर वेस्ट करके चले जाएंगे। सो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कभी भी मार्केट में एंट्री करने से पहले, ठीक है ना, कभी मार्केट में स्टॉक में पैसे लगाने से पहले उस चीज की जो है कंप्लीट नॉलेज लीजिए, सीखिए पहले। देखिए सीख लेंगे, मान लीजिए आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपीज है, आपने उसमें से 10-20-50 हजार पे लगा के अगर आपने आपने लर्निंग पे अगर जो है अपने लर्निंग पर अगर वो स्पेंड कर दिया तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ना कि मतलब वो लाख रुपए यहां मार्केट में देने से, ठीक है ना। उससे क्या होता है कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। आप 10,000 कैपिटल से स्टार्ट करिए, 5,000 कैपिटल से स्टार्ट करिए, बट आफ्टर लर्निंग, सीखने के बाद सीखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जो है हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और जो है अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं इस तरह के अगर चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर जो है मैं इस तरह के चार्ट पैटर्न डेली बेस पर मैं पोस्ट करते रहता हूं, आप जो है देख सकते हैं कि आप जो है चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है मेरे चार्ट से, जो कंपेयर कर सकते हैं चार्ट में जाकर। मतलब आपको काफी चीजें वहां पर सीखने को मिलेंगे अगर आप सीखना चाहें तो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करिए, देखिए चार्ट को देखिए, सीखिए, समझिए। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को आप जो है मेरी ईमेल आईडी पर जो है मेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।